हे गाइस वेलकम टू एक्सेल गेमिंग। आज हम मोटोरोला एज 20 में पबजी टेस्ट करेंगे। गाइस इसका प्रोसेसर है 778, इसमें हमें डिफॉल्ट सेटिंग में मिलता है स्मूथ एक्सट्रीम में हम गेम प्ले करेंगे मोटोरोला एज 20 में। तो चलिए देखते हैं कैसा चलता है। इसका और एक मॉडल लॉन्च हुआ है मोटो एज 20 प्रो, उसका प्रोसेसर है 870। तो गाइस हम तो कर रहे हैं मोटो एज 20 में पबजी टेस्ट, तो चलिए देखते हैं इसमें गेम प्ले कैसा होता है। तो गाइस चलिए देखते हैं। नहीं गाइस उतरने के बाद तो कोई भी लैगिंग का नामो निशान नहीं है इस डिवाइस में, बहुत ही तगड़ा परफॉर्मेंस दे रहा है मोटो एच 20। तो चलिए आगे चलकर देखते हैं कोई लैग होता है नहीं इस डिवाइस में। इस डिवाइस का जायरोस्कोप भी प्रॉपरली वर्क कर रहा है, जायरोस्कोप में कोई डिले नहीं है, बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहा है मोटो एच 20। और एनिमी नहीं है इसलिए मैं एनिमी ढूंढने जाता हूँ, देखिए और कितना एनिमी को किल कर सकते हैं इस फोन से। तो चलिए देखते हैं गाइस। मुझे लगता है मीटर रिवेस में वन स्कॉट है इसलिए मैं इधर आ गया, इधर भी कोई लैगिंग इशू नहीं है मोटो एच 20 में। तो चलिए आगे जाकर देखते हैं कोई लैग होता नहीं होता इस डिवाइस में।
गाइस कोई भी लैगिंग इशू अभी तक तो मुझे नहीं दिखा मोटो एच 20 में। बहुत ही तगड़ा परफॉर्मेंस रहा है मोटो एच 20। गाइस अभी तक तो इस डिवाइस में कोई भी लैगिंग इशू मुझे नहीं दिखा। बहुत ही अच्छा चल रहा है मोटो एच 20। बहुत ही अच्छा एक डिवाइस है गेमिंग के लिए, तो बहुत ही बढ़िया है। गाइस मोटो एच 20 डिवाइस का ओवरऑल गेम प्ले तो बहुत ही अच्छा था, कहीं पर भी लैग नहीं हुआ, बहुत ही अच्छा चला है। तो गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग।